भीषण, भयंकर, भयानक, भयावह, विकट, विकराल, डरावना, खौफनाक। क्रुद्ध समुद्र के इस रौद्र रूप को देखिए। अरब सागर से आया आसना तूफान बहुत डरावना है। बाढ़ के प्रकोप से गुजरात पहले से ही कराह रहा है, अब इस आसना तूफान ने और बुरा हाल कर दिया। आजी नदी के किनारे बसे एक बस्ती में मैं मौजूद हूँ और आप ये तस्वीर देखेंगे, बस्ती पूरी तरह से पानी में लबालब भरी हुई है, पूरी तरह से बस्ती जो है जलमग्न है। आप देखिए पानी का प्रवाह कितना तेज है। सिर्फ उतना ही नहीं, सामने की तरफ अगर मैं अपने विजय संकेत से कहूँ तो दिखाए रामनाथ टेम्पल है, सबसे प्रख्यात रामनाथ महादेव का जो टेम्पल है वो टेम्पल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अरब सागर से आसमा तूफान आया है, तेज रफ्तार हवाओं के साथ साथ भारी बारिश भी साथ लाया है। यहाँ पर आप देखिए कि समुद्र में हलचल कैसे बढ़ गई है। समुद्र किनारे आप देखेंगे कि कैसे लहरें बहुत तेज हो गई हैं और चक्रवाती तूफान का असर इन इलाकों में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। मैं कैमरा पर्सन सचिन से कहूंगा कि वो जरा लहरों को जूम करके दिखाएं ताकि ये पता चल सके कि लहरें कितनी तेज हैं। बीच के इस इलाके को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। यहाँ आसपास के इलाके में लोगों को ये साफ हिदायत दी गई है कि वो बीच के पास ना आए क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। गुजरात में बाढ़ भयंकर, समंदर में उठा बवंडर, तूफान से हर तरफ त्राहिमाम, मुश्किल में फंसी लोगों की जान। मैं मांडवी के इलाके में हूं जो कि कच्छ में पड़ता है और यहां पर अगर आप देखें तो पूरा इलाका कैसे डूब चुका है। मैं जरा कहूंगा अपने विजय सचिन से वो तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए एक तरफ हवाएं तेज चल रही हैं, कम से कम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ बारिश शुरू हो चुकी है और तीसरी तरफ आप लोगों की समस्याएं देखिए। ये मांडवी का वो इलाका है जहां पर तकरीबन 400 से 500 लोग रहते हैं या इससे कहीं ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर आप ये तस्वीरें देखिए और अगर बारिश होती है अब यहां पर अगर तूफान आता है तो क्या हो सकता है, ये सारी कहानी तस्वीरें बयां कर रही है। ये पूरा इलाका जो है वो इसी तरीके से जलमग्न है। आगे जाकर जैसा कि यहां पर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गले तक पानी भर चुका। गुजरात के कांडला बंदरगाह पर चक्रवात असर कैसा नजर आया इसे भी देखिए। समुद्र में उठती तूफानी लहरों के बीच देखिए कैसे हिचकोले खाता नजर आया ये जहाज। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र पर एक चक्रवात बना जिसका आफ्टर इफेक्ट आसना तूफान का नाम लेकर देखिए कैसे गुजरात के तटवर्ती इलाकों में हाहाकार मचा रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कच्छ का इलाका पड़ जाएगा, लेकिन ये मांडवी का इलाका जहां पर भारी बारिश हुई है और आप देखें कि कैसा पूरा इलाका जो है वो किसी समंदर की तरह दिखता है। आप जरा तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी है। गुजरात के कच्छ में कोहराम मचा है, पोरबंदर पानी पानी है। पोरबंदर शहर के कुंभारवाड़ा की तस्वीर देखिए, कमर के ऊपर तक घरों में पानी भरा हुआ है। मेरे पीछे आपको ये खोडियार माता का मंदिर नजर आ रहा होगा जो पूरी तरह से जलमग्न है। सिर्फ मंदिर नहीं, आप आसपास के रिहायशी इलाके देखेंगे पूरी तरह से जलमग्न है। यहाँ पर जो सभी मकान हैं वो करीब मकानों के जो ग्राउंड फ्लोर है वो करीब इससे छाती तक का पानी जो है सभी मकानों में ग्राउंड फ्लोर तक भरा हुआ है। पोरबंदर में समुद्री चक्रवात का कहर चरम पर है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बस्तियां जलमग्न हो गई हैं, घरों और बाजार में पानी घुस गया है, शहर की सड़कों पर सैलाब में सामान बह रहे हैं। इस वक्त हम पोरबंदर शहर के कुंभारवाड़ा में मौजूद है और मेरे इर्द गिर्द आपको सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। हालांकि ये नदी नहीं है, ये शहर का एक रिहायशी इलाका है कुंभारवाड़ा। चारों तरफ घर है लेकिन घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ है। अगर मैं अपने विजय संकेत से कहूंगा अपने पीछे की तस्वीर दिखाए तो आप देखिए बाइक पूरी तरह पानी में है, सिर्फ आपको हैंडल का एक हिस्सा नजर आ रहा होगा और आप देखिए बाकी घरों को देखिए पूरी तरह डूबा हुआ है। पोरबंदर के कई इलाके बाढ़ से जलमग्न है, कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घर बरसाती सैलाब की आगोश में है। आप देखिए घर के अंदर की तस्वीरें, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। आप देखिए ये दरवाजा आपको आधे से ज्यादा पानी में नजर आएगा लेकिन बाल्टी सामान घर का पूरा सामान जो है वो बहता नजर आ रहा है। क्या क्या बह गया? हमारी दो मोटर पानी की वो बिगड़ गई है।
हमारा भाई से पलंग वो पानी में तर रहा है, हमारे सेठी वो खाने पीने का सामान सब कुछ रसोई में पड़ा था वो बिगड़ गया है सब कुछ, ये कोठरे में सब। कितने दिन हो गए? आज तीसरा दिन है। तमाम बस्तियां बाढ़ के चलते तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर दरिया की तरह सैलाब बह रहा है। सैलाब का सितम ऐसा कि लोग घरों को छोड़कर महफूज ठिकानों पर पलायन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कई लोग सैलाब में फंस गए। ऐसे में जलमग्न इलाकों से बोट के सहारे बाढ़ग्रस्त लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना के जवान राहत और बचाव के काम में लगे हैं। सेना के जाबाज जवान जो है वो फूड पैकेट लेकर अब गांव में जा रहे हैं। हालांकि बीच में आपको जो पानी नजर आ रहा है वो पानी कुछ इतनी उफान पर है कि नाव के जरिए उन्हें सामने जो लाइटिंग्स है वहां पर गांव में जाना पड़ रहा है। वहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों को रेस्क्यू किया भी गया है, लेकिन कुछ लोगों को ये रेस्क्यू करके अब वापस भी ले आएंगे। तो साथ ही साथ जो ऊपरी इलाके में लोग रह रहे उनके लिए वो राहत की सामग्री तक जो है अपने साथ लेकर गए हैं। द्वारका में सैलाब का सितम चरम पर है। पूरा का पूरा इलाका समंदर जैसा नजर आ रहा है। घरों के अंदर लोग ऐसे ही पानी में रहने को मजबूर हैं। ऐसा लगेगा कि कोई नदी बह रही हो या फिर समंदर जो है वो एक गांव में से बहना शुरू कर दिया हो, उस तरीके की तस्वीरें इस वक्त द्वारका जिले के जामरावल गांव में बनती नजर आ रही है। हालांकि बारिश अब रुक चुकी है। रेड अलर्ट आज भी है, ऑरेंज अलर्ट कल भी है, लेकिन अब बारिश पूरी तरह रुकने के बाद भी अगर स्थिति को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे के पूरे गांव में से एक नदी या समंदर या सैलाब बहता नजर आ रहा है। पूरा का पूरा गांव जो है इस वक्त वो नदी बन चुका है। अरब सागर से उठे चक्रवात आसना ने हाहाकार मचा दिया है। समंदर में उठे चक्रवात के भंवर में गुजरात फंसा हुआ है। समंदर के रास्ते सड़कों पर सैलाब उतर आया है। बस्तियां तालाब बन गई हैं। बाढ़ का मंजर खौफनाक हर तरफ नजर आ रहा है। लोग ऊपरी मंजिल पर आपको सुरक्षित खुद को सुरक्षित रखते नजर आ रहे। हालांकि अभी भी 48 घंटे बात करूं तो कहीं ना कहीं सौराष्ट्र में और कच्छ में रेड अलर्ट जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये गांव किस तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात में आए ये सैलाबी संकट अभी कम नहीं होने वाला। अगले एक हफ्ते तक बाढ़ का पानी मुसीबत का सबब बना रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का हाई अलर्ट जारी किया है। कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है। कच्छ, मोरबी, द्वारका, जामनगर में भारी बारिश की आशंका है। गुजरात के 4 जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं। राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़ में येलो अलर्ट है। 3 दिनों से जामनगर में लगातार बारिश हो रही। जामनगर में 3 दिनों में लगभग 23 इंच बरसात हो चुकी है। बारिश से बरसे पानी से पूरा इलाका जलमग्न होने की कगार में है। आसमान से बरस रहे पानी की निकासी नहीं हो रही है। ऊपर से साइक्लोन के बाद बढ़ी बारिश ने और बुरा हाल कर दिया है। इन ड्रोन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पूरा इलाका डूबा हुआ दिखाई दे रहा है।